मॉडर्न विद्या मंदिर पब्लिक स्कूल पलवल, क्लास 5th, सब्जेक्ट मैथ, एक्सरसाइज 4.3 डिवाइड। मीन्स यहाँ पे हमने जो सारे क्वेश्चन है ये सारे डिवाइड किए हैं, तो मीन्स पहले तो हमें यहाँ पे 4606 को डिवाइड करना है 14 के साथ। तो हमारा मीन्स वो पहला मैं आपको प्रोसीजर बता देती हूँ। 46 पे मतलब कि पहले तो हम फोन नंबर तो ले नहीं सकते, 14 से बहुत लेस है, तो हम यहाँ पे नंबर लेंगे 46। 14 की टेबल 46 से लेस क्या आता है, 42। किस नंबर पे, 3 पे। तो मीन्स 46 में से 42 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 4। फिर ऊपर से हम 0 को ले लेते हैं तो हमारा क्या आएगा, 40 नंबर बन गया है। 14 की टेबल है 40 से लेस कौन सा नंबर है हमारा, 28। किस नंबर पे, 2 पे। तो हमारे यहाँ पे क्या है, 40 में से 28 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 12। फिर हम ऊपर से कौन सा नंबर लेंगे, 6। तो हमारा नंबर बना 126। 14 के टेबल में 126 किस नंबर पे आता है, 9। तो मीन्स दोनों को माइनस करेंगे 0 होगा, तो यहाँ पे 20 क्या आया है हमारा, 329। रिमाइंडर क्या है हमारा, 0। अब ये वाला पार्ट है हमारा 2358 डिवाइड 18। तो मीन्स जैसा ये वाला पार्ट है उसी के जैसा है ये वाला। अब सी वाला पार्ट है हमारा 9738 डिवाइड 72। तो मीन्स यहाँ पे हमारा बड़ा वाला नंबर बन गया 72। तो मीन्स यहाँ पे हम पहले करेंगे 97 नंबर को लेंगे। 97 नंबर 72 की टेबल में इससे लेस कौन सा नंबर आता है, 72 ही आता है। किस नंबर पे, 1 पे। तो मीन्स जब हम माइनस करेंगे 97 में से 72 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 25। फिर हमने ऊपर से 3 को इसके साथ लिया तो हमारा नंबर बना 253। 72 की टेबल में 253 से लेस कौन सा नंबर आता है, 216। किस नंबर पे, 3 पे। तो मींस यहां पे 253 में से 216 को माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 37। फिर हम वहां से ऊपर से कौन सा 8 नंबर लेंगे तो हमारा नंबर बना 378। और 72 की टेबल में 378 से लेस नंबर कौन सा आता है, 360। किस नंबर पे, 5 पे। 378 में से 360 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 18। तो यहाँ पे हमारा 20 कितना आया है, 135। और रिमाइंडर कितना है हमारा, 18। अब हमारा नेक्स्ट है, नेक्स्ट पार्ट डी वाला पार्ट है हमारे 64496 डिवाइड 98। तो मींस जैसा हमने पहला वाला किया है ना उसी के जैसा ही है ये वाला। अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं। ई वाला पार्ट है हमारा 67158 डिवाइड 123। मींस वहां पे टू नंबर्स की डिवाइड थी, अब यहां पे थ्री नंबर्स की डिवाइड है। तो मींस यहां पे 67 ले नहीं सकते क्योंकि 123 की टेबल में 67 तो बहुत लेस है। फिर हम यहां पे लेंगे 671। तो मींस 123 की टेबल में 671 से लेस कौन सा नंबर है हमारा, 615। किस नंबर पे, 5 पे। तो मींस यहां पे 671 में से 615 माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 56। फिर हमने डिवाइजन में से 5 को लिया तो हमारा नंबर बना 565। अब 123 के टेबल में
234 की टेबल में 185 रूट तक भी नहीं आता क्योंकि ये लेस नंबर है। तो मींस जब हमारा जो जो जिससे हम नंबर से डिवाइड करते हैं उससे लेस हमारे रिमाइंडर बचे तो मींस उसको वही के वही रिमाइंडर छोड़ देना चाहिए। तो हमारे यहाँ पे क्विंट क्या आया 116। जब यहाँ पे कोई डिवाइड नहीं है तो इसकी जीरो जाएगी, तो क्विंट हमारा 160 आया, रिमाइंडर हमारा 185। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है हमारा वो सेट इसी के जैसा है, जी वाला पार्ट जो हमने किया है ना उसी के जैसा ही है। अब हम आई वाला पार्ट करते हैं, यहाँ पे हमारा 400,000 है और उसको डिवाइड करना है 195 से। तो मीन्स यहाँ पे 400 को लेते हैं पहले, 195 की टेबल में 400 से लेस कौन सा नंबर है, 390, इस नंबर पे 2 पे। तो मीन्स यहाँ पे माइनस करते हैं तो हमारा क्या बचा 10। अब ऊपर से जीरो को साथ में लेंगे तो 100 होगा, 195 के टेबल में 100 तो आता ही नहीं है क्योंकि वो तो बहुत छोटा है 195 से। तो मीन्स इसके लिए जीरो, पहले जीरो को वहाँ पे लगाएंगे क्विंट में, फिर दूसरे नंबर मीन्स दूसरा नंबर मीन्स दूसरी जीरो लेंगे तो हमारा क्या नंबर बना 1000। 1000 से लेस 195 के टेबल में कौन सा नंबर आता है 975, इस नंबर पे 5 पे। तो मीन्स 1000 में से क्या माइनस करेंगे 975, जब दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारा 25। हम जीरो को साथ में ले लेते हैं तो कौन सा नंबर बना हमारा 250। 195 की टेबल में 250 से लेस कौन सा नंबर है हमारा 195, इस नंबर पे 1 पे। तो मीन्स क्विंट में 1 जाएगा। अब यहाँ पे 250 में से 195 को माइनस करेंगे कितना बचेगा 55, तो हमारा क्विंट कितना आया 2051 और रिमाइंडर कितना आया 55। ये वाला पार्ट है हमारा 809,070 डिवाइड 655। तो मींस यहाँ पे हम पहले कौन सा नंबर लेंगे 809, तीन नंबर को साथ में लेंगे जो कि तीन नंबर की डिवाइड है। तो मींस 655 के टेबल में 809 से लेस कौन सा नंबर है 655, इस नंबर पे 1 पे ही जाएगा। तो मींस 809 में से 655 को माइनस करेंगे कितना आएगा 154, फिर जीरो को साथ में लिया तो हमारा नंबर बना 1514। 655 की टेबल में 1540 से लेस कौन सा नंबर आता है 1310। तो मींस यहां पे हम किस नंबर पे 2 पे आता है, तो यहां पे हम 1540 में से 1310 को माइनस करेंगे तो कितना आंसर आएगा 230। फिर हमने 7 को साथ में लिया है तो मींस हमारा नंबर बना है 2307। अब यहां पे 655 की टेबल में 2307 से लेस कौन सा नंबर आता है 1965, किस नंबर पे 3 पे। तो मींस 2307 में से 1965 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 342। तो मींस यहां पे फिर हमने कौन सी जीरो ली है उसको साथ में तो हमारा नंबर कौन सा बना 3420। अब यहां पे 655 की टेबल में 3420 से लेस कौन सा नंबर आता है 3275, किस नंबर पे 5 पे। तो मींस यहां पे 3420 में से 3275 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 145। तो यहां पे क्विंट क्या है 1235, रिमाइंडर क्या है हमारा 145। क्वेश्चन 2 है हमारा, क्वेश्चन 2 के भी पार्ट है हमारे, क्वेश्चन 2 का ए पार्ट है द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 13356 इफ वन नंबर इज 63 व्हाट इज द अदर नंबर। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स मींस टू नंबर्स क्या है हमारे ए और बी, मींस सपोज कर लेते हैं ए और बी दोनों का प्रोडक्ट कितना हमारा 13356। अब हमें यहां पे ए की वैल्यू दे रखी है 63, बी की वैल्यू के लिए क्या करेंगे जो हमें प्रोडक्ट दे रखा है ना उसमें से 63 को डिवाइड करेंगे उस नंबर से, उस नंबर जो हमें जो प्रोडक्ट दिया है उसको डिवाइड करेंगे 63 से। जब हम 63 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्विंट क्या आएगा 212। तो मींस जो हमारा अदर नंबर है वो हमारा क्या है 212, मींस बी की वैल्यू 212 आएगी। क्वेश्चन 2 का बी वाला पार्ट है व्हाट इज द 148 पार्ट ऑफ 1,2268, मींस 148 पार्ट निकालना है 1,2268
25।